गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका विकास, आपका अपने चैनल में काफ़ी स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा आप लोग मुझको मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और कॉल कर रहे हैं कि सर साइट नहीं चल रही है नीलेट की। तो मैं बता दे रहा हूँ कि साइट में कुछ प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। इतना से आप कह सकते हैं वो क्रैश हो गया है सर्वर जो है उनका, या तो सर्वर क्रैश है, ठीक है, क्योंकि एक साथ काफ़ी बच्चे लोग डाउनलोडिंग कर रहे होंगे, या फिर दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे आपका जो कि अपलोडिंग चल रही होगी, इस कारण से उसको बैक एंड पे जाके अपलोडिंग होती है तो वहाँ पे सर्वर को बंद करना पड़ता है, क्योंकि इनका सर्वर जो लाइव सर्वर है ड्रूपल पे बना हुआ। देखिए ये वाली साइड भी एरर आ रही है, ये सर्वर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ड्रूपल पे, तो सब आपका पीएचपी की प्रोग्रामिंग है, तो ये सारा आपका बंद है। अब इनकी साइट जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है, काफ़ी देर में ओपन हो रही है। तो आपको मैसेज मिल रहा होगा दिस सर्विस इज अनअवेलेबल, और ये वाले पे तो आपको ड्रूपल एरर में आ रहा होगा मैसेज प्लीज ट्राई अगेन। तो दोनों ही साइट अभी नीलेट की अभी काम नहीं कर रही है, जहां तक दो ही ऑप्शन है, या तो सर्वर क्रैश हो गया है इनका, या फिर अपलोडिंग अभी जारी है, इस कारण से आपका शो नहीं हो रहा। ठीक है, अपलोडिंग हो रही होंगी आपके एडमिट कार्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे एक साथ इस बार हो रहे हैं, क्योंकि फरवरी से एग्जाम पेंडिंग है आपका, तो फरवरी करीबन 6 से 7 महीने के जो एग्जाम पेंडिंग है उन काफ़ी ज़्यादा डेटा होगा इनके पास 6 महीने का, इसमें अपलोडिंग होगा एक ही साथ, उसको अपलोड करना फिर उसको डाउनलोड करना, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम जाता है और सर्वर भी बिजी इसी कारण से आपका जा रहा है। ठीक है, तो वेट कर लें, आपका एग्जाम 24 है आज, तो मैं बता दे रहा हूँ 29 से ऑनवर्ड दिखा, यानी कि बच्चों ने एडमिट कार्ड जो दिया है कल 1-3 से आपका स्टार्ट है एग्जाम बेसिकली। तो आप बेफिक्र रहें, आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले डाउनलोड हो जाएगा, अपलोडिंग अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, क्योंकि सबके एक साथ हैं इस कारण से थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, तो आप मेल ना करें, कॉल ना करें कहीं पर, आप अपना वेट करें, जब भी आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपको मिल जाएगा। अगर नहीं हो पाता, कोई फॉल्ट होती, मान लीजिए कि आपका 1 तारीख को एग्जाम मान लीजिए आपका लगा था, वो नीलट आपको फिर सेट करके दूसरी डेट दे देगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो जिनका एडमिट कार्ड आ गया वो अपना डाउनलोड कर लें, वो अपना एग्जाम दे जाके, काफ़ी बच्चों के आ गए मेरे पास व्हाट्सएप पर एडमिट कार्ड, तो अपना अपना एग्जाम लेके वो अपना जा सकते हैं। बाकी साइट देख रहे हैं अभी काफ़ी ज़्यादा स्लो है, हो सकता है सर्वर बिजी हो या फिर अपलोडिंग चल रही हो, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वेट कर लें, इंतजार कर लें, 24 आवर या 48 आवर में आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो अपलोडिंग प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महीने के बच्चों के एग्जाम कैंसिल हुए हैं, तो वो सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपकी कंटिन्यू सारी क्लासेस चल रही हैं, ए लेवल की क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं आपकी, तो ए लेवल की क्लासेस इनको ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो इवनिंग में 7 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी, और यूपीपीसीएल की क्लासेस भी अगर ज्वाइन करनी है वो भी आपको कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अपडेट है, कोई अपडेट बेसिकली नहीं है, और आपके 30 तारीख लास्ट डेट है वो आपके पेपर लॉक करने की और आपके न्यू एडमिशन की, तो न्यू एडमिशन जिनको लेना है वो जल्दी ले लें, और जहाँ तक डेट बढ़ेगी, क्योंकि आपके जो 29 अक्टूबर तक जो है वो डेट रखी गई है आपके एग्जाम लॉक की, एग्जाम लॉक भी इस समय नहीं हो रहा है, उसमें भी एरर आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कल मैंने बताया था आपको, तो सारी प्रॉब्लम है क्योंकि सर्वर एक ही है इनके पास और उसी में सारा डेटा फीड है, और तो बार बार वो क्रैश या ओवरलैप हो रहा है, जिस कारण से यहाँ पे आपको एरर मिल रही है। ठीक है, तो इसको जल्दी सॉर्ट आउट किया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।